रानी, आज तो आप बिल्कुल परी लग रही हो। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी दिल दे बैठा था। आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरी ज़िंदगी की रानी बन गई। कहाँ मैं मामूली सा तुम्हारे पापा का फैक्ट्री का मैनेजर, तुम उनकी बेटी। क्या राजी जी, अब हमारी शादी हो गई है और आज की रात हमारी सुहाग रात है और आप नौकर मालिक की बात कर रहे हैं। पापा गेट क्यों बजा रहे हैं? पता नहीं, देखता हूँ। भाजे बेटा, भाजे बेटा, भाजे बेटा। पापा आप इस वक्त? अरे हाँ बेटा, फैक्ट्री निकले पर मर गया है। खुशी के चलते सारे वर्करों में दहशत फैली हुई है। हो सकता है कि मुझे अचानक पड़ेगा। प्लीज पापा आप आराम कीजिए, मैं चला जाता हूँ। रानी, फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना होगा। आप क्यों जा रहे हैं? पापा जी चले जाएंगे। पापा का तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे ही जाना होगा। कोशिश कर लें कि उस सबसे नंबर वजन कर दिया जी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बेटा, मैं वहाँ जा करके सब देख करके ठीक करके आता हूँ। सुहाग रात तो नहीं। अच्छा रानी, जब अजय फैक्ट्री पहुंचेगा तो उसे पता चलेगा कि किसी ने उसके साथ गलती मचा दी और जब तक यहाँ आएगा तब तक तो एक हफ्ता लग ही जाएगा। तब तक हम लोग खूब मजे करेंगे।
पापा कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं बेटा, पहले तू मेरे पास तो बैठो। बैठो। अरे नौकर कहाँ है? और ये सब तू क्या कर रही हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो छुट्टी दे दी। अच्छा छुट्टी दे दी। वैसे भी मम्मी पापा के मरने के बाद आपने मुझे छत दिया, वो क्या काम था? अगर आप नहीं होते तो मैं कहाँ जाती? दुनिया बहुत ही खराब है, मुझे आपने अपने बेटी का दर्जा दिया, यह एहसान मैं कभी भी नहीं चुका सकती। पापा मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सब खुश देखना चाहती हूँ, आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने। मुझे पता है आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझे पाना चाहते हैं, मैं भी आपको पसंद करती हूँ।
करा क्या आपका पापा? अजय तुम? अजय मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं मजबूर थी। मजबूर थी तुम? तुम और तुम्हारे बाप ने मिलकर मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे हो। और बोलती हो कि मजबूर थी, तुमने मुझे इतने दिनों से अपने पास नहीं आने दिया। बोलती हो कि गलती नहीं है मेरी, मजबूर थी। मैं मजबूर थी अजय। मैं कई बार तुमको बताना चाहती थी लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाई। अजय तुम मुझे जान से मार दो, अजय प्लीज तुम मुझे जान से मार दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ठीक है, तुम मुझे माफ नहीं करोगे, अपने आप को मार लूंगी। नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है अजय, तुम मुझे मर जाने दो। नहीं रानी, नहीं। मुझे विश्वास हो गया है कि जीवन बाबू ने तुमको मजबूर किया है।